सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। उन्हें हरिपुर कला स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों से आशीर्वाद लिया। मीडिया से मुखातिब सीएम धामी ने G20 बैठक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उत्तराखंड में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास रहने की बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर चार धाम रोडें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेज़ी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएँ भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।